वेबसाइट में स्पीड को ऑप्टिमाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम के ऊपर। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज कर पाओगे। ये एक ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, अगर आपको ट्यूटोरियल देखना है तो मैंने लाइट स्पीड कैशे प्लगइन का ट्यूटोरियल बनाया था, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा कि ये क्या चीज़ है, क्यों होता है और इससे आपकी वेबसाइट पर कितना फ़र्क आएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग अपने प्लगइन्स की सेटिंग या वेबसाइट की सेटिंग या डेवलपर को बोल पाओ कि ये चीज़ें मुझे इंप्लीमेंट करनी है, उसके लिए वाला वीडियो है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी, यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स ब्लॉगिंग से रिलेटेड बातें करता रहता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा 9 टिप्स अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए और गूगल पेज स्पीड स्कोर पे एक अच्छा स्कोर पाने के लिए। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सबसे पहली टिप है वो है इमेजेस को लेकर के। बहुत सारे लोग यहाँ पर इमेजेस को क्लिक करते हैं एंड देन डायरेक्टली अपलोड कर देते हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग, क्योंकि इमेजेस रहती है आपकी 4 MB 5 MB की, इनफैक्ट इवन फ्रॉम मोबाइल ऑल्सो। तो आपको कभी ऐसा नहीं करना है, आपको उसको कंप्रेस करना है एंड कंप्रेस भी करने से पहले आपको उसको रिसाइज करना है एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन में, कि अगर इमेज 4K की है तो शायद से आपको उतने हाई रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहे, आपको आपके ब्लॉग के हिसाब से थोड़ी छोटी इमेजेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अपने ब्लॉग को देखो, लेआउट देखो, या फिर जो भी आपकी वेबसाइट है उसका लेआउट देखो, उसके हिसाब से पहले अपनी इमेज को रिसाइज करो, सिर्फ कंप्रेस नहीं करना है। बहुत सारे लोग सिर्फ कंप्रेस करके छोड़ देते हैं, पहले रिसाइज करो, देखो कि आपके ब्लॉग की इमेज का साइज़ आपको कितना रखना है। मेरे हिसाब से जो फुल HD वाला साइज़ रहता है 1080p/1080p यूजुअली वर्क्स फॉर मोस्ट ऑफ द ब्लॉग्स आउट देयर, एंड उसके बाद उसको कंप्रेस करो। अब कंप्रेस भी कभी कभार लोग ऐसे ही करते हैं कि सिर्फ प्लगइन की हेल्प से करते हैं, तो उससे अच्छा भी जो बेटर मेथड है जो मैं करता हूँ वो ये रहता है कि पहले ही आप लोग कंप्रेस कर लो। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इस मैक के एप्लीकेशन को जिसका नाम है इमेज ऑप्टिम, आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ वेबसाइट से करना है तो टाइनी PNG, ये एक अच्छी वेबसाइट है कंप्रेस करने के लिए, PNG इसको और वेब पी इमेजेस भी ये बना देता है। या फिर अगर आप लोग विंडोज़ में हो तो ये वाला एक सॉफ्टवेयर है KCM इमेज कंप्रेसर, यू कैन यूज़ दैट एज वेल। सेकेंड फैक्टर होता है CDN का यूज़ करना। अब जो आपकी वेबसाइट है, जिस भी होस्टिंग से आपने ली है आपकी वेबसाइट का डेटा सर्वर डेटा सेंटर, वो एक किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर ही रहेगा, फॉर एग्जांपल इंडिया में है। नाउ मेरे यूज़र्स US से भी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहे हैं, यूरोप से भी आ रहे हैं। अब अगर वो सब मेरे इंडिया के डेटा सेंटर पर आके हिट करेंगे तो उस पर लेटेंसी ज़्यादा रहेगी, और US के यूज़र को ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑस्ट्रेलिया के यूज़र को ज़्यादा टाइम लगेगा, जो इंडिया का यूज़र है सिर्फ उसी को ही यहाँ पर फास्ट मेरी वेबसाइट एक्सेस करने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर आता है CDN, वो क्या करता है, वो आपकी वेबसाइट में जो भी डेटा सेंटर पे जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जैसे CSS फाइल हो गई, JavaScript फाइल्स हो गई, इमेजेस हो गई, उन सब की यहाँ पर एक कॉपीज बना के रख देता है अलग अलग डेटा सेंटर्स के ऊपर। US में भी है, यूरोप में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, हर जगह पर आपकी यहाँ पर एक कॉपी बनी रहेगी। इसकी वजह से यहाँ पे जो यूज़र है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन दैट पर्सन इज एक्सेसिंग इट फ्रॉम, उसको वहाँ पर स्पीड अच्छी मिलेगी। अब कौन सा CDN यूज़ करना चाहिए, देखो फ्री में क्लाउड फ्लेयर अच्छा है, नॉट द बेस्ट, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है क्लाउड फ्लेयर फॉर फ्री, लेकिन आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। पेड में मैं बताऊँ तो एक बहुत ही सस्ता और अच्छा ऑप्शन है जो मैं यहाँ पे खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, वो है बनी CDN, ये रहा मेरा, और यहाँ पर मैंने अभी तक 8 GB की ट्रैफिक भी सर्व करी है एंड मेरा जो कॉस्ट आई है वो $1 भी नहीं आई है। तो बहुत ही सस्ता है एंड बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे यहाँ से CDN ने बहुत सारे लोगों को यूरोप में, जर्मनी में सर्व किया है, देन US में सर्व किया है, और जो मेरा ओरिजिनल डेटा सेंटर है वो है सिंगापुर में। तो इससे मुझे मेरी वेबसाइट को स्पीड में काफ़ी एडवांटेज मिल रहा है एंड इन रिटर्न मेरी जो रैंकिंग्स है उस पर भी यहाँ पर काफ़ी एडवांटेज मुझे मिल रहा है। CDN को यूज़ करने का एक आसान तरीका भी है कि आप कोई ऐसा प्लगइन ले लो जो आपके लिए पूरा ऑप्टिमाइजेशन भी कर दे और CDN का भी वो खुद ही देख ले, जैसे कि नाइट्रोपैक, जो कि आज के इस वीडियो का स्पॉन्सर भी है। नाइट्रोपैक एक ऐसा प्लगइन है जिसके थ्रू आप लोग अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, CDN लगा सकते हो, सारी सेटिंग्स एक ही क्लिक में कर सकते हो, इमेज ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। बेसिकली आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का जो भी सारा हेडेक है वो नाइट्रोपैक लगाने से जा सकता है। यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल दैट प्लगइन, एक्टिवेट करना है, दैट्स इट। और इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, क्या नाइट्रोपैक में मेरी पहले परफॉर्मेंस थी, क्या बाद में थी, किस तरीके से मैंने उसको अपनी वेबसाइट पे यूज़ किया था, वो सब आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसका डिटेल रिव्यू मैंने किया हुआ है। नाइट्रोपैक की प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाकर परचेज करोगे go.kripeshadvani.com/nitropack तो यहाँ पर आपको स्पेशल एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे भी चल रहा है तो अभी वाला जो बिजनेस प्लान है वो $14 पे मिल रहा है,
और शायद से जब आप इस वीडियो को फ्यूचर में देखोगे तो ये वाली प्राइसिंग नहीं रहेगी, बट जो भी प्राइसिंग रहेगी वो इससे डिस्काउंटेड ही रहेगी। एंड $14 में आपको 50,000 पर पेज व्यूज भी मिल जाते हैं एंड 25 GB का इनका CDN भी मिल जाता है। नाउ क्या ये एक्सपेंसिव है? यस, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन इन अ क्लिक बिना कुछ हेडेक के, तो फिर ये वाला ऑप्शन आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग मेरा काफ़ी करीबी टॉपिक है, मैंने बहुत सारी वेब होस्टिंग का यूज़ किया है, इसीलिए आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुड वेब होस्ट। डिटेल में मैंने रिव्यू किया है क्योंकि अब सब मार्केट करते हैं स्पीड अच्छी है, स्पीड अच्छी है, लेकिन आपको नहीं पता, दैट्स वाई आई टेस्टेड, सब मैंने लेके रखे हैं। अप टाइम और स्पीड दोनों इंपॉर्टेंट है। अप टाइम अगर ख़राब है तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जा सकती है, स्पीड भी ख़राब है तो भी वेबसाइट की रैंकिंग जा सकती है, तो अप टाइम और स्पीड आपको यहाँ पे दोनों देख के चलना है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ, अच्छा वेब होस्ट लो, बजट में चाहिए, होस्टिंगर इज़ अ गुड ऑप्शन, शेयर्ड में केमी क्लाउड भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, एंड उसके बाद अगर आपका थोड़ा बजट ज़्यादा है तो क्लाउडवेज की तरफ जा सकते हो आप लोग। प्रीमियम में आपको जाना है जिसके साथ आपको CDN वगैरह भी मिल जाए, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी मिल जाए, देन नेक्सस इज़ अ गुड ऑप्शन। और बेस्ट वेब होस्टिंग 2024 का वीडियो भी काफ़ी जल्दी आने वाला है, तो चाहो तो उसका भी वेट कर सकते हो। फोर्थ है यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैशे का यूज़ करना। ऑब्जेक्ट कैशे क्या होता है? ऑब्जेक्ट कैशे की हेल्प से डेटाबेस की जो क्वेरीज का रिजल्ट रहता है वो कैशे में सेव हो जाता है, तो इससे डेटाबेस पे बार बार हिट नहीं करना पड़ता है, एंड इन कंक्लूजन आपकी वेबसाइट की स्पीड यहाँ पर अच्छी हो जाती है। अब ऑब्जेक्ट कैशे का कैसे यूज़ कर सकते हो वो आपके ऊपर नहीं है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर वेब होस्टिंग। तो ऑब्जेक्ट कैशे में बताऊँ अभी कौन कौन दे रहा है आपको। होस्टिंगर का जो टॉप प्लान है उस पर ऑब्जेक्ट कैशे मिल जाएगा, क्लाउडवेज का जो $20 के ऊपर वाला प्लान है उस पर ऑब्जेक्ट कैशे मिल जाएगा, एंड केमी क्लाउड का जो अगेन जो शेयर्ड होस्टिंग में जो टॉप प्लान है उस पर भी यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट कैशे मिल जाएगा। नाउ इसको नहीं भी यूज़ करोगे तो भी आपको स्पीड अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट है ई कॉमर्स जहाँ पे इंटेंसिव डेटाबेस से रिलेटेड टास्क हो रहे हैं, तो फिर आई हाईली रिकमेंड आप लोग एक ऐसी होस्टिंग लो, एक ऐसा पैकेज लो जहाँ पर ऑब्जेक्ट कैशे का सपोर्ट मिले। इट विल हेल्प यू अलॉट रिलेटेड टू वू कॉमर्स एंड ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर वेबसाइट कैशिंग। अब आप लोग अगर CDN यूज़ कर रहे हो तो यूजुअली आप लोग के लिए कैशेस क्रिएट कर देते हैं। कैशिंग मीन्स कि जैसे काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो भी फाइल्स को एक्सेस किया जा रहा है, जैसे कि इमेजेस हो गए, स्टैटिक इमेजेस हैं, देन आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल्स हो गई, स्टैटिक CSS हो गई, इन सब का यहाँ पे कैशे बना के रखा जा सकता है ब्राउज़र में, उसको स्टोर किया जा सकता है कि नेक्स्ट टाइम अगर यूज़र उस पेज को विजिट करे तो उसको वो सारी फाइल्स वापस से लोड नहीं करनी पड़े। कैशिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको HTTP हेडर्स का यूज़ करना रहता है, तो अगर आपके पास डेवलपर है तो उसको ये चीज़ बोल दो, नहीं है तो जो भी आप लोग प्लगइन वगैरह यूज़ करोगे उस पर कैशिंग का ऑप्शन आता है उस पर टिक मार्क मार दोगे, वो HTTP हेडर्स ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। छठा पॉइंट है रिसोर्सेज को मिनिफाई करना। आप वेबसाइट बनाते हैं उसमें काफ़ी सारी फाइल्स होती है, जावास्क्रिप्ट का होता है, CSS होता है, एंड उसमें बहुत सारा ब्लैंक स्पेस भी होती है ताकि उसको ईजिली कोड किया जा सके, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन उन ब्लैंक स्पेस का कोई मीनिंग नहीं होता है। काफ़ी सारे कोड्स को कमेंट भी किया जाता है, उसका भी वहाँ पर कोई मीनिंग नहीं होता है। तो मिनिफाई करना मतलब वो सारे ब्लैंक स्पेसेस को हटा देना जो हमने एंटर एक्स्ट्रा मार के रखे हैं उसको हटा देना, एंड जो भी आपके कमेंटेड कोड है उन सबको हटा देना, वो मिनिफाई में आ जाता है। अब इसका एडवांटेज ये रहता है कि आपकी फाइल साइज़ यहाँ पे छोटी हो जाती है और आपकी वेबसाइट में यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आपकी वेबसाइट किसी भी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होगी। तो इररिस्पेक्टिव आप लोग किसी भी तरह की यहाँ पे वेबसाइट चला रहे हो, मिनिफाई करना इज़ असेंशियल, इससे कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होगा। आप लोग कोई भी प्लगइन यूज़ कर रहे हो उसमें मिनिफाई हमेशा ऑन करके रखना। सेवेंथ है यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट को मिनिफाई करना। मतलब मैंने काफ़ी सारे प्लगइन्स यूज़ करे हैं, काफ़ी सारे मेरे फीचर्स यूज़ करे हैं, मैं अलग अलग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल्स भेज रहा हूँ, CSS की फाइल भेज रहा हूँ, तो इंस्टेड वो जो मेन जो CSS की फाइल है आपसे उसको भेजो और जो बाकी जो आपके डिज़ाइन के एलिमेंट्स है उसको आप लोग बाद में भेजो एक ही फाइल के अंदर। उसके लिए जो टर्म यूज़ होता है वो होता है कंबाइनिंग जावास्क्रिप्ट एंड CSS। तो जो भी प्लगइन मिले आप लोग उसमें CSS को कंबाइन कर दो, मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं जाती है। जब जावास्क्रिप्ट को कंबाइन करोगे तो कभी कभार यहाँ पर प्रॉब्लम जा सकती है, तो अगर आप लोग GS को कंबाइन कर रहे हो तो एक बार रिफ्रेश करके देख लेना कि आपकी वेबसाइट का कोई पार्ट यहाँ पर टूटा तो नहीं है। एट्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कंप्रेशन। जो भी आप लोग फाइल्स भेजो इसको कंप्रेस करके भेजो, एंड इसके लिए प्लगइन में यूजुअली ऑप्शन होता है GZIP का ऑप्शन होता है और क्या ब्रॉडली कंप्रेशन होता है, तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे प्लगइन्स इसको ऑन कर देते हैं, कभी कभार नहीं हो, या अगर आप लोग स्क्रैच से बना रहे हो तो GZIP अगर आप लोग सर्च करोगे GZIP फॉर PHP या .NET तो वो आपको मिल जाएगा। नाइन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीडायरेक्ट्स को अवॉइड करना। अब इसके लिए बहुत सारे मार्केटर्स गिल्टी होते हैं क्योंकि उनको टैग करना रहता है, उनको ट्रैक करना रहता है, टैग्स भी करते हैं कभी कभार वो ट्रैक भी करते हैं। जैसे जो भी आपको मेरे नीचे एफिलिएट लिंक्स मिलेंगे वो रहेंगे go.kripeshadwani.com/nitropack, इसी तरीके से आपको मेरे सारे लिंक्स मिलेंगे। अब इससे क्या हो रहा है, इससे पहले वो मेरे सर्वर पे जा रहा है go.kripeshadwani, वहाँ पे जाने के बाद वो वापस से नाइट्रोपैक पे जा रहा है,
तो डेफिनेटली यहाँ पे यूज़र को ज़्यादा टाइम लग रहा है एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड, कि आप इतने सारे रिडायरेक्ट्स मत रखो कि पहले मोबाइल वर्जन पर आ रहा है, फिर अगर वो डेस्कटॉप पर है तो फिर वो डेस्कटॉप पे वो फिर से रिडायरेक्ट होके जा रहा है। तो एक ही URL रखो, एक ही URL के अंदर आपका सारा काम होना चाहिए, बार बार रिडायरेक्शन सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट रिडायरेक्ट को कम से कम यूज़ करो। नाउ मैंने ना पे स्टार्टिंग में 9 पॉइंट्स बोले थे, अब अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आई हैव अ स्पेशल बोनस पॉइंट फॉर यू, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसते हैं, वो है एड्स को लेकर के। आप यहाँ पर ऐड डालोगे आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो होनी ही होनी है। तो हमारा जो 10th पॉइंट है वो है एड ऑप्टिमाइजेशन को लेकर के। अब एड्स डालोगे तो उसके लिए यहाँ पर मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ कि किस तरीके से उसका इफेक्ट कम किया जाए। वैसे तो वो कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा ही, क्योंकि आप लोग हैवी एड्स डाल रहे हो, जावास्क्रिप्ट CSS हर ऐड के लिए अलग अलग लोड हो रही है, तो इट इज़ अ हैवी प्रोसेस, लेकिन उसका काफ़ी हद तक उसका जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि लेजी एड्स लगाओ, कि जब वो व्यू पोर्ट लोड होए तभी सिर्फ आपका ऐड लोड होना चाहिए। अब इसका कैसे इसको सही तरीके से यूज़ करना है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन लेजी एड्स कैसे लगाने हैं एक बार वो चीज़ें सीख लो। एंड उसके बाद एसिंक्रोनस एड स्क्रिप्ट्स लगाओ। आजकल वैसे सब मॉडर्न में वही यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इनफैक्ट गूगल एड्स वगैरह यूज़ करोगे सब एसिंक पर ही लोड होते हैं, पहले इसकी प्रॉब्लम होती थी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एड्स थोड़े कम दिखाओ, कि अगर आपने पूरा अपना पेज ही एड्स से भर के रखा है तो वो सारे ग्राफिक्स भी लोड हो रहे हैं, आपके ऊपर भी लोड हो रहा है, नीचे भी, साइड में, इधर उधर, तो जितना एड्स लगाओगे उतनी प्रॉब्लम रहेगी। तो देखो कि कहाँ पे क्लिक आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं एंड देन सिर्फ वहीं पर ही एड शो करो। जितने कम जितने इफेक्टिव एड शो करोगे उतनी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपकी पेज स्पीड पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट एड ऑप्टिमाइजेशन में कि लाइटर एड फॉर्मेट्स को यूज़ करो, इंस्टेड कि आप लोग यहाँ पे वीडियो लोड करो, इमेजेस देख लो, HTML5 का वीडियो देख लो एंड बेसिक टेक्स्ट बेस्ड एड लगा दो, तो वो लाइटर फॉर्मेट रहता है, वो ज़्यादा स्पीड पे इंपैक्ट नहीं करेगा। अगली टिप यहाँ पर रहेगी मेरी, एक ऐड मैनेजमेंट सर्विस का यूज़ करना, वो आपके एड्स को ऑप्टिमाइज़ भी अच्छे से कर देते हैं और जो स्पीड है उस पर भी कम से कम इम्पैक्ट रहता है। जैसे कि इजॉइक हो गया, एड ट्राइव हो गया, मीडिया वाइन हो गया, ये सब एक थर्ड पार्टी एड मैनेजमेंट सर्विस है, जो कि मेरे एक्सपीरियंस में जितना मैंने सुना है, मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इजॉइक को यूज़ किया है, लेकिन बाकी जितनों से भी मैंने सुना है, मीडिया वाइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एड मैनेजमेंट व्हेन इट कम्स टू स्पीड। अच्छा रेवेन्यू देता है, प्लस जो उनका स्पीड मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो वो उनका जो ऑप्टिमाइजेशन होता है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो आप लोग मीडिया वाइन को ट्राई कर सकते हो फॉर एड मैनेजमेंट एंड इंस्टेड ऑफ इजॉइक वगैरह आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर स्पीड आपकी प्रायोरिटी है तो। अगली प्रो टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो ये है कि एड्स को कभी भी अपने होम स्क्रीन पर स्टार्टिंग में मत लगाओ, किसी भी पेज के ऊपर आपका एड नहीं दिखना चाहिए एंड पहली जो स्क्रीन है उसमें कभी भी ऐड नहीं दिखना चाहिए, साइड में कोई ऐड नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट जो पहला स्क्रॉल होता है उसमें भी कोई ऐड नहीं होना चाहिए, उसके नीचे ऐड लगाओ आप लोग। उससे क्या होगा, उससे आपका जो गूगल का पेज स्पीड स्कोर है वो ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोग एड्स ऊपर लोड करोगे तो फिर आपका पेज स्पीड स्कोर यहाँ पर काफ़ी ख़राब हो जाएगा। एड्स को नीचे लोड करोगे तो अब यहाँ पर लेजी लोडिंग का काम में आता है, कि जब मैं उसको नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तभी वो ऐड लोड हो रहा है, दैट इज़ लेजी लोडिंग। इसकी वजह से आपका जो पेज स्पीड स्कोर है वो भी ख़राब नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, एंड यूज़र को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जो बेस्ट फॉर्मेट रहता है वो यही रहता है कि पहले के जो आपका पहली स्क्रीन और जो नीचे स्क्रॉल करने के बाद थोड़ी बहुत स्क्रीन आ रही है उस पर कोई ऐड मत दिखाओ, उसके बाद जो अपना साइड बार है उसके वहाँ पर एक स्टिकी ऐड लगा दो, कि नीचे स्क्रॉल कर रहा है तब एक स्टिकी ऐड लगा दो एंड देन बीच में आप लोग ऐड लगा सकते हो, या फिर जैसे पेज का 30% कोई रीड कर ले उसके बाद एक नीचे बैनर ऐड शो कर दो, दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे टू शो योर एड्स विदाउट अफेक्टिंग दिस साइट स्पीड या फिर पेज स्पीड स्कोर ऑफ योर वेबसाइट। सो ये थे 10 सुपर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हैक्स। आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, कैसे इंप्लीमेंट करना है वो लाइट स्पीड कैशे का मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। आई ट्राई कि मैं 2024 के लिए एक अपडेटेड ट्यूटोरियल बना दूँ ऑन कैशे सेटिंग्स एट लाइट स्पीड के ऊपर। नाइट्रो पैक का तो अभी रिसेंटली बनाया था, देन WP रॉकेट भी आई ट्राई टू कवर, तो चाहो तो वो सब आप लोग यूज़ करके देख सकते हो। एंड ये सब अगर आपको तामझाम में नहीं पढ़ना है तो यू कैन जस्ट लुक एट नाइट्रो पैक, उस पर रिफंड पॉलिसी भी आपको मिल जाती है, 14 डेज की नाइट्रो पैक पर रिफंड पॉलिसी है। तो ये सब तामझाम में नहीं पढ़ना है तो एक बार जाके वो चेकआउट कर लो, रिजल्ट मिले तो यूज़ करो, नहीं मिले तो लीव इट, और ये सारे जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उस पर काम करना शुरू कर दो। डू लेट मी नो वीडियो कैसा अच्छा लगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो, कोई और सजेशंस हो तो लेट मी नो, एंड वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप जरूर दीजिएगा, इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।